What are you doing here? I want you. What? ये सब सही नहीं है. Just go. I know. You want me as well. तुम नशे में कुछ भी बोल रहे हो. Get out. Leave my hand. हाथ छोड़ो. Come on. छोड़ो हाथ मेरा. Rocky, no. Come Rocky, on. Please. Don't disappoint me. No, Rocky. Me. No. विष्णु उठो विष्णु. अब क्या करूं? अरे अदिति क्या हुआ? ए, मैं बताता हूँ अदिति, मुझे वो चाहिए. ए, चल जाए यहाँ से. कुछ भी बकवास मत कर. ये अभी मेरे साथ सोएगी. ए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नशे में कुछ भी बोले जा रहा है तू. चल जाके सो जा. चल जाके सो. तेरा उसे क्या रिश्ता है? हाँ बता. चल. ये हमारी फ्रेंड है समझा? अबे मुझे सब पता है. अबे तू बोल क्या रहा है, समझ आ रहा है तुझे? चल जा यहाँ से. चल जा. तुम कुछ भी कहो, मुझे बस वो चाहिए. चल जा. चल यहाँ से. तुझे शर्म नहीं आती है क्या? तुम लोग रॉकी, एक कदम भी आगे होगा मेरे बाद. तुम लोग भी ज्वाइन कर सकते हो यार. शराफत से कह रहा हूँ. देख रॉकी, अब चुप बैठ. अगर तूने उसे छूने की कोशिश की ना तो मैं तुझे मार दूंगा. तुझमें हिम्मत है क्या? बोलना, हिम्मत है क्या? रॉकी, हे शिनु, 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 जाने दे यार. रॉकी रॉकी प्लीज ऐसा कुछ मत कर. रॉकी रॉकी शिनु क्या कर रहा है? हे रॉकी, शिनु यार तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? चुप बैठ जा. छोड़ना रॉकी. रॉकी छोड़ना यार, क्या कर रहा है? अबे रॉकी, बोतल छोड़ हो गया क्या? दिमाग खराब है तेरा? अबे आपस में ही लड़ेंगे क्या हम लोग? बोतल छोड़. रॉकी शिनु छोड़ना यार. छोड़ो यार एक दूसरे को. अबे रॉकी. ये क्या किया? रॉकी रॉकी, हे अभी इसकी सांसें चल रही है. चल इसे हॉस्पिटल लेके चल, लेके चलते हैं. चल अच्छा आराम से. चल सुंदर सुंदर रुकना यार. हे शिनु, अगर इसे हॉस्पिटल ले गए तो लोग पूछेंगे कि ये सब कैसे हुआ. मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार. अब क्या करेंगे हम? मैं खुद ही बता दूंगी. मेरा रेप करने आया था, मैंने सेल्फ डिफेंस में किया, यही ठीक रहेगा. ऐसा कुछ भी मत कहना. सही ही तो कह रही है वो. अरे उसकी इज्जत का सवाल है यार. हम दूसरा कुछ बता देंगे. तू ऐसे बोलना. तू बताना कैसे कि इसने बहुत ज्यादा पी रखी थी इसलिए नशे में ग्लास पर पैर गिरा और पेट में रॉड घुस गया, ऐसा बता देंगे. उसके पेट में रॉड नहीं घुसी है, बॉटल घुसी है यार. इतना क्यों सोच रहे हो? बॉटल निकाल कर रॉड घुसा देंगे. हे
हेलो, वो हेडलाइट्स ऑन थी ना, इसलिए मैंने इस तरह से इशारा किया। ओके ठीक है। अरे एक मिनट, मुझे अर्जेंट हॉस्पिटल पेशेंट। ओके ओके आके बैठ। थैंक यू। कहाँ जाना है? नहीं आपने पूछा नहीं ना, तो मैं ही बता दे रहा हूँ कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। चलो बैठने के लिए तो जगह मिल गई, लेकिन पकड़ने के लिए कुछ मिल नहीं रहा। हेलो। कोई बात नहीं, हाथ फैला कर ही बैठ जाता हूँ। अरे वहाँ देखो ये सब क्या हो रहा है। अरे मुझे तो ये सब कुछ मालूम है यार, छोड़ो। रोज इसी तरह का ड्रामा करता है ये लड़का, फिर कोई ना कोई बहाना बना कर लिफ्ट मांग लेता है। लेकिन लड़कियाँ कैसे मान जाती है? ए वो सब जाने दे, इनके ग्रुप में एक और है ना, मरियल सा घुंघराले बालों वाला। ओहो उसकी बात कर रही हो, उसके बारे में तो पूछो ही मत। सारी दुनिया एक तरफ चलती है और वो दूसरी तरफ चलता है, और तो और मैसूर में केले का ठेला लगाता है वो। लेकिन वो जो कार में आता है ना, वो देखने में ही डिसेंट लगता है। अरे यार सर्किल में एक अच्छा डिसेंट लड़का तो होना ही चाहिए ना। ये सब तो कुछ नहीं है, इनका एक बहुत अच्छा दोस्त है रॉकी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो, दुनिया भर में कॉन्टेक्ट्स है उसके, बहुत ही रिच है। बाप रे क्या लेवल है उसका, हमेशा फॉरेन जाता है, लोकल की तरफ तो पलट के भी नहीं देखता। हर साल ये तीनों मिलके उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह इस साल भी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए ये तीनों मिलके उसके घर जा रहे हैं। ए उनके बारे में इतना सब कुछ तुम्हें कैसे पता है? वो दरअसल एक बार मैंने भी उसे ड्रॉप किया था। डेली इसी रूट से जाती हो, मिलोगी क्या? नहीं मैं कभी कभी जाती हूँ। माई कार्ड, कॉल मी। ओके बाय। ड्राइवर्स पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। वेटिंग हो रही है। मैं भी वही कर रहा हूं। लगेज कुछ ज्यादा ही है। मतलब बैग लगेज। अरे कमाल है, तब से फोन की रिंग बज रही है, बता नहीं सकती थी क्या? ठीक है चुपचाप खड़ी रहो। नहीं तो क्या? अरे बाप रे कट हो गया ना। अरे एक बार फिर से कॉल करो, इस तरफ से करने के लिए करेंसी भी नहीं है, करो ना, उसकी वजह से ऐसे ही चले मत जाना, करो ना कॉल। कॉल किया। हेलो बोलो, कहाँ हो? आ रहा हूँ। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट में पहुँच जाऊंगा। 2 मिनट में आ जाओगे क्या? क्यों, बगल में एक लड़की रुकी हुई है, थोड़ी देर के बाद आना, क्योंकि तब तक मैं यहाँ देखने का मजा लूंगा। आप पैंट पहनी है क्या? हाँ यार। बाल खुले हुए हैं। हाँ यार, हाथों से जुल्फे हवा में लहरा रही है। फोन दे उसे। फोन दूं? कह रहा हूँ ना दे। अरे लेकिन क्या कहकर दूं? उसे विष्णु बात करना चाहता है। पहचान वाली है। हाँ हेलो, फोन है। व्हाट? विष्णु। हेलो हेलो विष्णु, तुम्हारे फोन का क्या हुआ? ये नॉन रीचेबल क्यों बता रहा है? वेट। ओह शिट, सॉरी यार, फोन मेरे पॉकेट में था, पता नहीं चला। वो मेरा दोस्त शीनू है, बाय द वे वो भी हमें ज्वाइन करने वाला है। ओके ओके आई एम सॉरी। रहने दो। थैंक्स। कहाँ हो? अबे क्या कर रहे हो? धीरे से आना चलेगा। ए शीनू, अबे बात तो सुन। आप भी हमारे साथ आ रही हो क्या? वाह, अब बहुत खुशी हो रही है। मैं और विष्णु बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। चांस मिलने पर दोनों एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। गर्मी में बहुत अच्छा आइडिया किया है। मेरे पास भी सेम हाफ पैंट है, पहनकर आना चाहिए था, लेकिन मुझे देखकर लोग कहेंगे कि अंडरवेयर पहनी है, इसलिए बस ऐसे ही चलाया।
सॉरी गाइस। हे विष्णु, आ गया क्या? बहुत अच्छी लड़की है यार, पूरा क्लोज हो गई मेरे साथ। बेचारी अपने सारी तकलीफें बताकर आंखों से पानी निकाल दिया। नहीं यार, एक दिन के लिए इतना सारा लगेज लेकर आई है, मैं काम करूं क्या? उसके बगल में बैठकर उसे संभाल लूं क्या? अबे अबे ओ छिछुरे, कहीं भी शुरू हो जाता है ना, तू चला के बैठ जल्दी। आप यहीं पर बैठिए, मैं आगे बैठता हूं। आइए सर, बैठिए बैठिए बैठिए। ये कौन सी मिठाई है? दिखने में तो हमारे साइड की नहीं लगती। दरअसल अदिति बॉम्बे से आई हुई है। ओहो, बॉम्बे की मिठाई है। इसे यहाँ आए हुए 4 साल हो गए हैं और मैं इसे 2 साल से जानता हूँ। मेरी इसके साथ दोस्ती एक फैमिली फ्रेंड की तरह है। एक बात बता, 2 साल की दोस्ती है तू कहता है, लेकिन एक बार भी इसे खाने पर इनवाइट नहीं किया। अबे रिस्क क्यों लेना यार। चल ठीक है, लेकिन अब हमारे साथ क्यों आ रही है? ये इस सिटी की फेमस जगहों को देखना चाहती है और उसके बारे में जानना भी चाहती है। बड़ी मुश्किल से रॉकी के बर्थडे के लिए टाइम निकाल पाया। मैंने इससे पूछा, इसने भी हाँ कर दी। इसे हिंदी आती है? हम जो भी बात करें वो ये समझेगी ना? मतलब हम जो भी बात करेंगे ये नहीं समझेगी क्या? चांस ही नहीं है यार। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरे भी बहुत दिनों से एक ही ख्वाहिश है और वो ये है कि मेरे दिल की हर बात को एक खूबसूरत सी लड़की के सामने खुल कर कहना चाहता हूँ, और आज मैं वो सारी बातें हंसते हंसते कह दूंगा। कैसे बाबा? बिल्कुल भी सोचना नहीं, मैं कहूंगा कुछ और एक्सप्रेशंस कुछ और ही रहेंगे, बस तू देखते रहना। ये तुम्हारे होंठ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, समझी क्या? नहीं रे, अबे तेरे एक्सप्रेशन से उसे पता चल जाएगा, लेकिन मेरे डायलॉग से नहीं पता चलेगा। आगे देखकर गाड़ी चलाना यार। खुला खुला रास्ता और साथ में ये हम सफर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या ये तुम्हें मंजूर है? Say yes, yes, yes. What? You Bombay? Yes. Bollywood? Yes. शाहरुख खान? Yes, yes. सलमान खान? मुझे लाइक करती हो? What? ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, कोई भी कैसा भी रहे उससे मुझे क्या? भाई मैं इतने सही चुप नहीं बैठूंगा। अगर इस चीज को उसने मेरे हाथों से ले लिया तो ये मुझसे प्यार करती है, ये डन। हाँ हेलो, अरे मैं यहां कुछ बोल रहा हूं, सुनो तो सही। अरे ये भी ना, मैं कुछ सीरियसली बात कर रहा हूं और ये हेडफोन डालकर बैठी हुई है। ए, अरे क्या देख रही हो, निकालो ना, कान से निकालो उसे। टेक Taking, talking, pen, heart. बस इतनी सी बात है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। ये मेरे प्यार का सबूत है। अगर इसे तुम खुद मेरे हाथों से लोगी तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। प्लीज ले लो ना इसे। अच्छा एटलीस्ट रख तो लो ना, प्लीज। मैं रख लेता हूँ प्यार से। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो मेरी गोदी में आके बैठ जाओ। किस देना चाहती हो क्या? तो उसमें इतना सोचना क्यों, दे दो ना। अच्छा कहां पर दोगी, गालों पर या होठों पर दोगी? इसी तरह मुंह में पानी भरकर पूरे चेहरे पर अगर थूक भी दो ना तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। थूक दो ना। हाँ? अरे रे, ये क्या तुमने पानी वेस्ट कर दिया? What? Drinking water wasting? Why? I didn't. मैं तो धन्य हो गया। आई अरे, इसको इसी उम्र में शुगर हो गई। क्या सुसु करने गया था? अरे छोड़ना, क्यों इतना टेंशन ले रहा है? इसे हिंदी थोड़ी समझ में आती है। कॉमन सेंस नहीं है क्या तुझमें?
हेलो सी रामनगर हिल बिग बिग माउंटेन शोले अमिताभ बच्चन हाँ। गब्बर सिंह कितने आदमी थे कम दे आर ऑल शूटिंग 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 यार कसम तुमसे झूठ बोलकर भला कहाँ जाऊंगा मेरी एक ख्वाहिश है जान तुम्हें वहां ले जाकर घोड़े पर बिठाकर फुल्ली मतलब घोड़ा दौड़ाना है कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा है बेटा वाह वहाँ देखो कितना ब्यूटीफुल लेक है ब्यूटीफुल लेक ना वही वही हम लोग स्विमिंग करने जा रहे हैं सारा दिन वो साथ में नहाते ही रहेंगे तुम मुझे नहलाना और मैं तुम्हें नहलाऊंगा अब चलो मुझे किस दे दो अबे तू क्या देख रहा है सामने गाड़ी चलाना तुम किस दो ना मैं कब से वेट कर रहा हूँ दो ना आंखें नहीं है क्या तेरी लड़कियों को समझता क्या है हा? हिम्मत है तो रुक के दिखा ना चप्पल से भाग के ठीक कर दूंगी शर्म नाम की चीज नहीं है क्या तेरी तो करेक्ट करेक्ट बोला आपने ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए इनके तो हाथ बांधकर इनको धोना चाहिए मार मार के इसकी शक्ल बिगाड़ दूंगी ऐसे लड़कों के साथ यही करना चाहिए लोफर कहीं का इसके घर में माँ बहन नहीं है क्या जाते जाते किसी ट्रक से टकरा के मर जाए पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं डफर कहीं के ऐसी की तैसी थू अरे ये तो हिंदी बड़ी अच्छी बोलती है तो मार मार के चटनी बना दूंगी तेरी इडियट स्टूपिड अब मेरी खैर नहीं तुम तो हिंदी नहीं आती बोलकर बहुत ही अच्छा बोल रही थी वो मैं कभी कभी अकेले में बातें करता हूँ उसके लिए ट्रीटमेंट भी करवाई है लेकिन अभी तक वो बीमारी ठीक नहीं हुई इसलिए सामने वालों को लगता है कि मैं उसे छेड़ रहा हूँ लेकिन आपके साथ तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ना मैं सच कह रहा हूँ ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया मैं ऐसा इंसान हूँ ही नहीं आप करेक्ट हो आपकी मार मैं समझ सकता हूँ और मुझे इस इंसान को सुधारने का यही एक तरीका है वंडरफुल शॉट लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है विष्णु के सामने मुझे मत मारना करेक्ट है विष्णु नहीं है इसलिए तुमने मुझे मारा ना अरे बाप रे ये तो बहुत डेंजर है लोफर कहीं का क्या हुआ अबे क्या नहीं हुआ है जल्दी से गाड़ी निकाल यहाँ से बोलता है इसको हिंदी नहीं आती चश्मा कहाँ गया अरे अरे गाड़ी रोकना तुझसे मैंने मना किया था ना लेकिन तू है कि मानता ही नहीं है पापा पापा सनग्लास पर गाड़ी चढ़ाओ ना अच्छा बेटा अभी हो चश्मा टूट गया चश्मा टूट गया अबे तुझे तो मैं क्या हुआ दीदी एक्चुअली मेरा सनग्लास होगा वहाँ पर ग्लासेस कहाँ है यहाँ थे क्या ए तूने देखे क्या ओके तूने नहीं देखे होंगे रहने दे मैं ही देख लेता हूँ घर से लाई तो हो ना जरा याद करो नहीं देखा ना नहीं लाई है घर से नहीं मैं लाई थी अदिति फॉरगेट इट यार कहीं से दूसरा ले लेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है कहीं गिरे होंगे दूसरे ले लेंगे ना मुझे सही से फिट होता था अरे किसी को टाइट होता है किसी को लूज होता है हा? और किसी को आराम से बैठता है चश्मा यार सुला के ट्राई किया नहीं हुआ अब बालों को खड़ा करके ट्राई करता हूँ देखते हैं बॉम्बे बॉय की तरह लग रहा हूँ कि नहीं डांट खा के भी तुझे अकल नहीं आई ना हाँ बोल कालिया कहाँ हो यार अभी श्रीरंगापट्टनम क्रॉस किया है
अभी और कितनी देर लगेगी? बस अभी और 15 मिनट लगेंगे। जल्दी से आओ यार। विष्णु, ये सुंदर कौन है? वहां रुकना है ना, वो सामने देखो। वाओ, he's a hot dude. कंफ्यूज मत होना, एक बार अपने लेफ्ट में पूरा बेंड होकर तो देखो। या, देयर इज समबडी एल्स। वही सुंदर है। ओह, अबे कालिए, चल आ जा। ए सीनू, नहीं है सीनू, विष्णु नई कार है, कब ली नई कार? कल ये गाड़ी लेना चाहता है, इसलिए कैसी है वो चेक करने के लिए आज यहाँ पर लेके आया है। जैसे शादी से पहले फर्स्ट नाइट करते हैं वैसे, विष्णु आजमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे यार, अरे बाप रे, कौन है वो नई लड़की? बहुत खूबसूरत है, पैंट पहनना ही भूल गई है। विष्णु ने कहा कि रास्ते में यही उसे पैंट दिलवाएगा, इसलिए ये ऐसी ही चली आई। उसको बोलना कि ना दिला, ऐसी ही ठीक है। अदिति, ये सुंदर है, हम इसे प्यार से कालू कहते हैं, इसकी मैसूर में खुद की दुकान भी है। Hey, what's up? हमारा सुंदर बहुत अच्छा लगता है। ए, मजाक मत कर यार, गांव कौन सा है इसका? बॉम्बे से आई है भाई। बॉम्बे से? ये यहाँ का लैंग्वेज आता है थोड़ा थोड़ा? Hey, अब नाटक मत कर समझा, क्योंकि हिंदी इसे बहुत अच्छे से आती है। लड़कियों को देखते ही सुंदर पूरी तरह से डिसेंट हो जाता है। अदिति, इस साइड से मत आना, उस साइड से आना, ठीक है? सुंदर, मिस्टर सुंदर, क्या है? वो नीचे आना चाहती है, साइड देना। अदिति, वन मिनट है, आइए सर, आइए ना। यार, तुम भी मजाक किरकिरा कर रहा है। थैंक यू। अरे यार, सारा गेम चौपट कर दिया, तू मेरा दोस्त है ना? ओहो, तो तू उस नियत से सो रहा था क्या? सॉरी, हाँ, मुझे नहीं पता था। देख, जो नीचे हैं उन्हें ऊपर आना ही होगा। तू जैसे सो रहा था ना, बस वैसे ही सो जा, तेरा सपना मैं पूरा करूंगा। थैंक्स यार, मैं थोड़ा आगे ही सोता। अरे क्या कर रहे, आते क्यों नहीं? अदिति, इधर आओ ना, सुंदर सोया है, उसे डिस्टर्ब होगा। मेरा दोस्त सही है। अरे अरे, इस साइड से नहीं, उस साइड से बैठ जाओ। तो इसने मुझे बेवकूफ बना दिया। ये लोफर ना, कहीं भी लेकर जाओ अपनी हरकतें दिखाई देता है। राइट में घुमाया तो लेफ्ट में जाता है, ये ओके, लेकिन लेफ्ट में घुमाया तो लेफ्ट में ही जा रहा है यार। कैसा लगा? मॉर्निंग शो तूने दिखाया ना, अब मैं मैटिनी शो दिखाता हूँ, आजा।
अबे लेट हो रहा है यार, जल्दी चलना। इस बार कैसे भी करके गले लगा लूंगा। ए, ए, तू यहाँ क्या कर रहा है, नीचे उतर। आधा एक घंटा सामने बैठ जा, फिर यहाँ पर आना। जा। ए, ये मेरी सीट है, मैं कब से यहीं बैठा हूँ, यहीं बैठूंगा। बाद में आना इसके लिए कह रहा हूँ, चल जाके बैठ जा। देख यार ऐसा मत कर, मैं कब से उसके बगल में बैठा हूँ, तू यहाँ से उठ और अपनी सीट पे जा। ए, आगे बैठ जाना जाके। नहीं नहीं तू उतर, बोल रहा हूँ शक्ल बिगाड़ दूंगा, जाना आगे। ये मेरी सीट है, जाना है, मेरी सीट है। क्यों तंग कर रहा है, जाना आगे। तू उतर, आगे ये अच्छी जगह खाली है, चल बैठ। तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं आगे बैठ जाती हूँ, ठीक है। अब जाके सही फैसला हुआ है, दोनों के झगड़े में मुझे फायदा हो गया। देखो गधा कितना खुश हो रहा है। अच्छा मैं गाड़ी चलाऊं क्या? अभी तू चुप बैठ, गाड़ी चलाएगा। उस पैकेट में क्या है? पान है, देना भूल गई। दोनों ले लेना। विष्णु फॉर यू। अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में खाता हूँ ना। एक काम करो, तुम बस आ करो, वो मुंह में डाल देगी। हाँ आ करो। हमारा विष्णु तो बहुत पहुंची हुई चीज है यार। नहीं वो तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। आ जाओ, तुम्हें इस शहर के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन टफ है लेकिन आंसर बहुत इजी है। इस जगह के बारे में कुछ जानती हो क्या? हाँ तुम्हें पता है। ए, नाम ही सिर्फ गोल्डन टेम्पल है, बना तो ईंटों से। एक्चुअली तुम्हें दलाई लामा पता है? हाँ, वो ये किसी पिक्चर के बारे में पूछ रहे हैं यार। वो तिब्बतियन के महागुरु जी थे। 1950 में चाइना की जंग में वो बेघर हो गए थे। तब दलाई लामा ने इंडियन गवर्नमेंट से घर देने की रिक्वेस्ट की थी। हमारी गवर्नमेंट ने बेघर हुए कई तिब्बतियन को देश की कई जगहों पर आसरा दिया था। उन्हीं जगहों में से एक है ये जगह बैलकुप्पा। ये जगह लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। किसी जगह के बारे में जानना हो तो वहाँ पैदा होना जरूरी नहीं, बस जानने की इच्छा होनी चाहिए। समझ में आया घुंचू, बेवकूफ। देख के बदल गया क्या? अभी तक उसके चेहरे के अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा है। ए, वैसे अच्छा है, लेकिन ये बात उसे पता है? ये मैं नहीं जानता। अब उसे यहाँ किसी तरह लेकर तो आया है, तो दिल में जो कुछ भी है बोल देना। अरे वही तो मुझसे नहीं हो रहा यार। यार तू मेरे बारे में उससे बात कर। पपी को बचाया था ना, वो बात तूने अदिति को बताई कि नहीं? नहीं तो ए, तुम पूछोगे नहीं कि क्या हुआ था? हाँ टेल मी। हाँ वो क्या है कि एक छोटा सा पपी सर्कल में फंस गया था। यहाँ से भी गाड़ियाँ, वहाँ से भी गाड़ियाँ, पूरा ट्रैफिक था, कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी हमारे विष्णु ने इमीडिएटली अपनी गाड़ी रोककर भागकर उस पपी को अपनी गाड़ी में लेके आया। बेचारा, उसके पैर से बहुत खून बह रहा था, तो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाकर अपना खून पपी को देकर उस पपी की जान बचाई। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये कितना हेल्पिंग नेचर वाला है, और तो और ये सभी लोगों की मदद करता है। ए आगे बोल यार। एक दिन क्या हुआ, हम लोग रास्ते पर रुके थे तो एक दादाजी बगैर कपड़ों के सर्दी में ठंड से बहुत कांप रहे थे, और तभी इसने तभी उसे देखकर अपनी पैंट निकाल कर दे दी। पैंट? अबे तू अपना मुंह बंद रखना। सुंदर मैं बोल रहा हूँ ना यार, तो मैं ही सुनाऊंगा। पैंट नहीं, जैकेट। Mistake. हाँ, वही तो। एक मिनट विष्णु, वैसे तुझसे शादी करने वाली लड़की बहुत ही किस्मत वाली होगी। हाँ सिर्फ किस्मत वाली नहीं होगी यार, 7 जन्मों की तपस्या की होगी उसने। विष्णु तू धन्य है। क्या यार? He's so funny. Wow, Aditi, look there. Wow, it's amazing. मिस्टर सीनू। अबे ये क्या पहन के रखा है तूने? इसे फैशन कहते हैं यार।
सुंदर, तुम्हारी पैंट कट करने की बात अच्छी लग रही है। लंदन अमेरिका में अभी मेरा ही तो स्टाइल चल रहा है। हाँ क्यों नहीं, परसों ही जाकर आया है ना। क्या मैं आपको हाथ दूँ? नो थैंक्स। वाओ, स्विमिंग के लिए रेडी रहना, बहुत ही अच्छा चांस है, मिस मत करना। अबे नहीं यार, मुझे डर लगता है। क्यों यार? अबे मेरी बॉडी पे बहुत बाल है, अदिति देखेगी तो उसे बुरा लगेगा यार। अबे बाल तो आदमी की पहचान होती है, तू भी ना। ऐसा क्या? और नहीं तो क्या? मेरे भी हैं। और एक बात जानता है? क्या? लड़कों के सीने के बाल देखकर ना लड़कियां टेम्प्ट हो जाती हैं। ऐसा क्या? साइंटिफिकली प्रूव हुआ है ये। अच्छा देख, स्विम करने के बहाने उसके सामने जाके खड़ा हो जा और शर्ट निकाल कर 4-5 पोज दे दे। इससे तो अपुन अच्छा दिख रहा है। ये क्या है यार, भालू जैसे लग रहे हो। देखा नहीं जा रहा, शर्म आ रही है। जाओ शर्ट पहन। क्यों बे? क्या हुआ? भालू जैसा लग रहा हूँ बोल रही थी। ऐसा क्या? अबे हाँ यार, सच में भालू जैसा लग रहा है। तेरी तो। ओ, ओ। अदिति को बचा यार। सुंदर, ये वहाँ क्या करने चला? सुंदर जल्दी कर। सुंदर, बाप रे, अगर आज हमारा सुंदर नहीं होता तो अदिति को भगवान ही बचा सकते थे। तूने मुझ पर मिट्टी क्यों डाली यार? तू पानी वहाँ है यार, और वो आराम से स्विमिंग कर रही है, लेकिन तूने इस रेत में स्विमिंग की। तैरते तैरते उसे बचा रहा हूँ सोचकर नारियल के पेड़ की टहनी तूने हाथ में पकड़ी और बैठे बैठे उसे किस कर रहा था। और तो और, पानी में जाने के लिए सारे लोग अपनी शर्ट उतार कर जाते हैं, लेकिन तूने तो अपनी पैंट ही उतार ली। अरे बाप, अच्छा हुआ जोश में चड्डी नहीं उतारी। अबे पैंट कहाँ लगता है वहाँ? यार सच बताना, मैं भालू की तरह लगता हूँ? अरे नहीं यार, तेरा टाइम ही खराब है। कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं ही पहले उसके पास जाकर उसके दिल में तू है या नहीं है ये पता लगाता हूँ। ऐसे ही करना है? ठीक है, तू जा कार के पास खड़ा रहे। हाँ ठीक है यार। आदिति। हाँ? तुमको चलो एक पवित्र जगह लेकर चलता हूँ। कहाँ पर? वहाँ उस पहाड़ की चोटी पर। चलोगी क्या? ठीक है, चलती हूँ। 5 मिनट्स। ए, ए, रुक जा, कहाँ जा रहा है? वो आदिति, वो वहाँ। एक बात समझ ले, आदिति तेरी होने वाली भाभी है। इसका मतलब तू? अबे मैं नहीं बे, विष्णु उससे प्यार करता है। अब सुन, हम दोनों को मिलकर उन दोनों को एक करना है, समझा ना? ए, दोस्ती की खातिर सुंदर अपनी जान भी दे सकता है। आदिति। ए, ये तुम हमें कहाँ लेकर जा रही हो? हे, तुम्हीं ने तो कहा था कि उस पहाड़ पर कुछ दिखाओगे। अबे घोंचू कहीं के, अगर चोटी ही देखनी थी तो नीचे से देख लेता, पहाड़ चढ़ने की क्या जरूरत थी। ए, तू किस चोटी की बात कर रहा है? चुपचाप चल, चलता रहे। अगर तू अकेले आता तो तेरे साथ मैं कभी नहीं आता, वो तो मैं अदिति के लिए। चलो चलो। सीनू, इस जगह में ऐसा स्पेशल क्या है? मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। हेलो, तुम जिस पत्थर पर बैठे हो उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अरे रे 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 रे, हाँ यही तो जगह है, इसे प्रणाम करो ना। भगवान मेरी रक्षा करना, पहले बता देता तो अगरबत्ती और पूजा का सामान लेके आता ना। इस पत्थर पर एक महान आदमी बैठ कर उठाता, जानते हो? इज इट? और आप दोनों इतने लकी हो कि वो आदमी अभी भी जिंदा है। ऐसा क्या?
कौन है वो? अरे अभी जो बैठ कर उठा ना, मैं ही तो हूँ वो। कितना मजा किया मेरे यार, तू तो तेरी तो। सच बताओ मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम किसी से प्यार करती हो क्या? डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिंदास बोल दो, मैं हूँ ना। तुम्हारे फ्रेंड्स में से किसी से प्यार? अगर आपको बोलने में तकलीफ है तो मैं साइड में जाता हूँ, आप इसे बता देना। हा? वैसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती। ओके? अच्छा तो आगे चलकर कोई प्यार? अगर कभी मुझे कोई लड़का पसंद आ गया तो जरूर प्यार करूंगी। बताओ कैसा लड़का पसंद है तुमको? He should be a really nice guy. Simple, light heart. ऐसा लड़का जिसके अंदर कुछ भी कर दिखाने का कॉन्फिडेंस हो, समझे? हिंदी में रोमांटिक कविताएं भी लिखता हो, वही सुनते सुनते मुझे उससे प्यार हो जाए, और इन सब से भी बढ़कर वो मुझे बहुत प्यार करे। hey, कितने लड़कों से प्यार करना चाहती हो? क्यों? क्योंकि ये सारे गुण एक लड़के में मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारे सपनों का राजकुमार मैं ही हूँ। उसने जो कुछ भी कहा वो सारे गुण मुझ में है, बस उसे पता नहीं है। अब विष्णु उससे प्यार करता है ये मुझे पता नहीं है क्या? उसने जो पॉइंट्स बताए उसके बारे में थोड़ा डेमो देती तो अच्छा होता ना। वो जलता है मुझसे घोंचू कहीं का। सीनू रुको, तुम बिल्कुल मत घबराओ, ये सुंदर फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। इसी पल से उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दूंगा, ओके ना? अबे तेरी। अगर उसने हाँ कह दिया तो मैं क्या बोलूंगा? हे बता ना क्या कहा उसने, मेरे लिए क्या है उसके दिल में? तेरे लिए ही नहीं, उसके दिल में तो किसी के लिए भी कुछ भी नहीं है। किस लिए? मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गुड लुकिंग हो, केयरिंग हो, हेल्पिंग हो, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तुझे कविताएं भी लिखनी पड़ेंगी भाई। छोड़ना यार, मैं कोई कविता विता नहीं लिखने वाला हूँ। ओहो हो, वैसे बाकी सारे काम तो तू अच्छे से करता है, किसी की भी लिखी हुई कविता को तू अपनी कविता बता दे। ऐसा क्या? हाँ कैसे यार? आइडिया होता है। अच्छी अच्छी फिल्मों में भी इस गधे को इतना समझा फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। उसकी आंखें जैसे कमल का फूल। ये कोई कविता है? लिखो। हाँ लिखता हूँ। तेरे होठ जैसे मधुशाला, तेरे बाल जैसे काली घटाएं, तेरा दिल जैसे प्रेम का सागर। वो क्या है कि आशु की कविताएं मुझे बहुत पसंद है। अब उसे कविता पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार? तू मेरे लिए कविता नहीं लिख सकता क्या? तू इतना कह रहा है तो कर देता हूँ। जब से मैंने देखा है तुम्हें चैन मेरा उड़ सा गया है। वाह वाह क्या अच्छी कविता है। अब तू बन जा बच्चन। कौन मैं? और मैं बनूंगा धर्म पाजी। अदिति हेमा माल। करेक्ट। अब उसको सुनाई दे, इस तरह तेरे पास आकर कविता लिख कर दे, ऐसा तुझसे विनती करूंगा। वो वहां से उसे छुप कर देखेगी। करेक्ट। अब इस कविता को अच्छे से पढ़ ले, तेरे बोलने की स्टाइल को देखकर वो तुझसे गारंटी प्यार कर बैठेगी। विष्णु मेरी एक मदद करेगा? मैं तेरी कैसी मदद करूं? अरे वो आदिति को कविताएं बहुत अच्छी लगती है। उसके लिए मैं क्या करूं यार? प्लीज 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 सिर्फ एक हेल्प कर दे, प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज यार। मुझे पता है कि तू बहुत अच्छी कविताएं लिखता है, तो तेरी लिखी हुई कविताओं को मैं मेरी कविताएं हैं बोलकर आदिति को दिखा दूंगा, तो आदिति मुझसे प्यार कर बैठेगी यार। चल लिख ले। तेरी आंखें जैसे कमल का। ये कौन सी कविता है? अबे तू लिख तो सही। तेरे होंठ जैसे मधुशाला, तेरा दिल जैसे प्रेम का सागर, तेरे बाल जैसे काली घटाएं, तू परियों की रानी, परियों की रानी। वाव बहुत अच्छी कविता है, तुमने लिखी है क्या? हाँ हाँ सब मैंने लिखी है। अच्छी लगी क्या? तुम्हें पसंद है ना? एक्चुअली मुझे आशु के जैसे कविता बहुत पसंद है। पता है तुम्हें आशु की कविताएं मुझे बहुत पसंद है। ए भाई, भाई डायलॉग तो बहुत अच्छा था, एक्टिंग मैंने जैसे की वैसा। अबे उसको छोड़ बे, वहां अदिति सेम हेमा मालिनी के जैसी ही एक्टिंग कर रही है। ऐसा क्या? ए वो आ गई आ गई आ गई। अब तू ना किसी भी तरह सॉन्ग की प्रैक्टिस कर ले और गाना शुरू कर, जो भी होगा देख लेंगे। हाँ बस हो गया,
मुझे पता है कि तुमने भी वो पिक्चर अच्छे से देखी है। अब आओ। यार ये लड़की पुरानी फिल्में देखी कैसे? ए, फूल बने अंगारे देखी है क्या पूछ? काली हूँ मैं, तुम्हारा वध कर दूंगी। पता चला क्या? पूछ इसने अनाड़ी फिल्म देखी है क्या? सर सर 2 रुपए का टमाटर बिक रहा है, कितना सस्ता हो गया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। सुंदर सुंदर। सर मुझे कुछ भी पता नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है सर। पहले तू अपने बाल सीधे कर ले, उसके बाद नाटक करना। अरे सुंदर, अरे पूछना स्कोर कितना हुआ। हेलो, स्कोर कितना हुआ? ऐसा क्या, कोहली खेल रहा है ना? ठीक है बाद में कॉल करता हूँ, बाय। तुम्हें क्रिकेट पसंद है? अरे पसंद है, मेरी पूरी दुनिया है, मेरी सांसों में क्रिकेट है। मैं एक बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ, पता है? हाँ हाँ, अच्छा बैट्समैन है, हाथों में बैट पकड़ते ही बेचारा आउट हो जाता है। वही मेरी वीकनेस है। यू नो अदिति, मैं और शीनू क्रिकेट ग्राउंड में ही मिले थे। ऐसा क्या? एक भी मैच नहीं जीता था इस भिखारी की टीम ने। हमारे साथ मैच खेलने के लिए कितने टीमों में लड़ाई हुई है पता है? उसी समय ये फरिश्ता बनकर वहाँ आ गया। मुझे भी अपनी टीम में ले लेना, मैं भी बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ। दूसरी टीम में जा। इसकी सूरत देख के मुझे दया आ गई, इसलिए मैंने इसे अपनी टीम में ले लिया। यहाँ क्या? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। यहाँ ठीक है। ओके, 10 साल से अपुन इधर फील्डिंग कर रहा है, अपुन की जगह है, तेरे को मालूम नहीं क्या? चल बाजे बाट चल। आज हमारा कोई भी बॉलर चल नहीं रहा है, इसलिए सुंदर मैं तुझ पे भरोसा करके बॉल दे रहा हूँ। ग्राउंड में जितने भी प्लेयर थे सब इसकी बॉल आसमान में भेज रहे थे, ऐसी बॉलिंग कर रहा था ये। मैं थोड़ी देर के लिए होकर आऊँ क्या? कहाँ जा रहा है? अर्जेंट बाथरूम जाना है, इसलिए वो घोंचू 6 मार रहा है, मेरे वापस आने के बाद देखना। हाँ ठीक है जाऊंगा। उसके बाद मैंने इसे बॉल दी, ये तो विकेट पे विकेट चटका रहा था। बॉलिंग अच्छी की क्या? वैसे तुम बहुत अच्छे बैट्समैन हो क्या? सेवा को पहली बॉल पर 4 मारते हुए देखा होगा, पहली बॉल पर 6 मारने वाले को देखा है क्या? आप ही हो क्या? अरे मैं जाऊंगा, इसके बाद मेरी बैटिंग है। अरे सुनना, ए, सुंदर बैटिंग करने आया है, सब लोग पास में आ जाओ, पास में आ जाओ। ये देखो इसकी ओवर एक्टिंग। अदिति, you don't believe, लास्ट बॉल पे 4 या 6 नहीं चाहिए था, हमें जीत के लिए बस 1 रन चाहिए था। पूरी टीम में टेंशन का माहौल था और इसके बिल्डअप को देख के पता ही नहीं चल रहा था कि कब क्या हो जाएगा। और उसी समय इसने बैट से बॉल को कट किया, और पता है उसके इस रिकॉर्ड को हम लोग आज तक ब्रेक नहीं कर पाए। ऐसा है ये। इसी तरह से हम आपस में दोस्त बने और बहुत खुश हैं तब से, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर मैं सच कहूं तुमसे तो फैमिली के सपोर्ट से ज्यादा मुझे अपने दोस्तों का सपोर्ट मिलता है। वो क्या है ना कि मुझे बिजनेस करने के लिए अपने घर से कोई सपोर्ट नहीं मिला और मेरे हाथ में भी कुछ नहीं था, लेकिन दोस्तों ने ठेला दिलवा दिया। कौन है? मम्मी क्या? Okay. मेरी तरफ से उनको नमस्ते बोलना। Hey, dude. How are you? एक बार फोन तो कर दिया होता, सोच रहा था तुम आओगे या नहीं। मिस कर सकते हैं क्या? सरप्राइज। hey, यार कैसे हो? कैसे हो यार? क्या बॉडी है यार? कैसा है यार? कैसा है कालिया? मैं तो ठीक हूँ, तूने तो बॉडी शॉडी बना ली। नजर ना लगे इसलिए। वो छोड़ो, अंदर की बात कुछ और ही है।
ओके बाय मां। बाय द वे रॉकी, दिस इज माय फ्रेंड अदिति। हाय, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। प्लीज वेलकम। थैंक यू। और चलो सब अंदर चलते हैं। आप चलो, मैं बैग लेकर आता हूँ। चुपके चुपके मुझे जा, 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 चलो भाई।
रॉकी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई वांट यू. व्हाट? ये सब सही नहीं है. जस्ट गो. आई नो यू वांट मी एज वेल. तुम नशे में कुछ भी बोल रहे हो. गेट आउट. लीव माय हैंड. हाँ छोड़ो. कम ऑन. छोड़ो हाथ मेरा. रॉकी नो. कम ऑन. डोंट डिसअपॉइंट. नो रॉकी. नो. सिनु, विष्णु, सिनु, विष्णु, विष्णु, विष्णु उठो, विष्णु. अब क्या करूं? अरे, हाँ, अदिति, क्या हुआ? ए, मैं बताता हूँ. अदिति, मुझे वो चाहिए. ए, चल जाए यहाँ से. कुछ भी बकवास मत कर. ये अभी मेरे साथ सोएगी. ए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नशे में कुछ भी बोले जा रहा है तू. चल जाके सो जा. चल जाके सो. तेरा उसे क्या रिश्ता है? हाँ बता. चल. ये हमारी फ्रेंड है समझा? अबे मुझे सब पता है. अबे तू बोल क्या रहा है? समझ आ रहा है तुझे? चल जा यहाँ से. चल जा. तुम कुछ भी कहो, मुझे बस वो चाहिए. चल बाहर. चल बाहर. चल तू. हाँ चल. चल जा. चल यहाँ से. तुझे शर्म नहीं आती है क्या? शे. ए, तुम लोग. हे रॉकी, एक कदम भी आगे होगा. हाँ मेरे बाद तुम लोग भी ज्वाइन कर सकते हो यार. शराफत से कह रहा हूँ. देख रॉकी, अब चुप बैठ. अगर तूने उसे छूने की कोशिश की ना तो मैं तुझे मार दूंगा. तुझमें हिम्मत है क्या? बोलना, हिम्मत है क्या? रॉकी, प्लीज ऐसा कुछ मत कर. रॉकी, रॉकी, शिनु क्या कर रहा है? रॉकी, शिनु, यार तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? छोड़ना रॉकी. रॉकी छोड़ना यार, क्या कर रहा है? अबे अबे रॉकी, बोतल पागल हो गया क्या? दिमाग खराब है तेरा? अबे आपस में ही लड़ेंगे क्या हम लोग? बोतल छोड़. रॉकी, शिनु, छोड़ना यार. छोड़ो यार एक दूसरे को. अबे 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 रॉकी. ये क्या किया? रॉकी, हे, अभी इसकी सांसें चल रही है. चल इसे हॉस्पिटल लेके चल, लेके चलते हैं. चल, अच्छा, आराम से. चल, हे सुंदर, सुंदर उठना यार. हे शिनु, अगर इसे हॉस्पिटल ले गए तो लोग पूछेंगे कि ये सब कैसे हुआ. मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार. अब क्या करेंगे हम? मैं खुद ही बता दूंगी. मेरा रेप करने आया था. मैंने सेल्फ डिफेंस में किया. यही ठीक रहेगा. ऐसा कुछ भी मत कहना. सही ही तो कह रही है वो. अरे उसकी इज्जत का सवाल है यार. हम दूसरा कुछ बता देंगे. तू ऐसे बोलना. तू बताना कैसे कि इसने बहुत ज्यादा पी रखी थी इसलिए नशे में ग्लास पर पैर गिरा और पेट में रॉड घुस गया, ऐसा बता देंगे. उसके पेट में रॉड नहीं घुसी है, बॉटल घुसी है यार. इतना क्यों सोच रहे हो? बॉटल निकाल कर रॉड घुसा देंगे. जय हो शिवा, जय हो शिवा, बांग भभूत वाले शिवा. दरवाजा ओपन है शिवा.
ब्लड बॉटल। रात में पार्टी हुई है लगता है, अमाउंट लेकर कहीं चले तो नहीं गए शिवा? शिवा पैसे सेफ हैं। हेलो कारवार पुलिस स्टेशन। साहब मैं कवि पांडे बात कर रहा हूँ। माँ बोलो। मेरे बॉस के घर पर आया था, यहाँ ब्लड गिरा हुआ है, बहुत सारी बॉटल बिखरी हुई है, बॉस भी घर पर नहीं है सर। ओह ऐसा क्या? अभी अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक फोन आया था इमरजेंसी केस का, आप सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए। हाँ। मामले को हम देख लेंगे। साहब को आने दीजिए फिर हम देखते हैं। ठीक है साहब। हाँ। हेलो शिष्य। भैया मैं साइट पर इंतजार कर रहा हूँ, पार्टी भी यहीं पर आएगी, आप भी यहीं आ जाइए। अरे खजूर कहीं के, अर्जेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुँच। आप मूर्ति वाले चौराहे पे आ जाओ, मैं वहीं इंतजार करूंगा, वहीं से चलेंगे साथ में। सेटअप बिगाड़ दिया गधा, पिकअप करना पड़ेगा। भाई उधर। शाबाश। किधर है मेरे भाई? किधर है मेरे भाई? चुप, इतने जोर से क्यों बोल रहा है? हॉस्पिटल आ रही है, देख से। कहाँ है मेरे भाई? कौन है तेरा भाई? अभी पुलिस वाले ने मुझे फोन करके बताया, मेरे भाई को इस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कहाँ है वो? बाकी जिसे भर्ती करके गए भाई क्या? हाँ हाँ। वो ये कुछ ज्यादा ही होशियारी कर रहा है मुझसे। किससे पूछूं वो सही सही बता सकता उसने है? उसने बोला वो समझ में आया क्या? अबे उल्लू के पट्टे, अभी तूने देखा नहीं उसने इधर उधर उंगली घुमा दी मेरे सामने? गधा रावण की तरह लुक दे रहा है। ये तो भूत की तरह उठकर चला गया। डॉक्टर डॉक्टर हमारे रॉकी भैया को क्या हुआ? आप उनकी तरफ से हैं क्या? उनकी हालत बहुत गंभीर है, दूर के रिश्तेदारों को भी खबर कर दीजिए। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? भैया नहीं बचेंगे ऐसा कह रहे हैं। घर पे पैसे पड़े हैं, वेस्ट हो गए तो उठा लें क्या? वैसे भी डाउट तो फ्रंट पर आएगा, हम तीन हिस्से कर लेंगे उसके। हिस्सा? हे, ऐसी परिस्थिति में ना इस तरह का फालतू ख्याल किसी और के दिमाग में नहीं आ सकता है। तुम दोनों कौवे दिमाग के बहुत तेज हो। शाबाश। तो फिर हम चलें क्या भाई? ए चापलूसी बंद कर, अब ज्यादा देर नहीं कर सकते, थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आने वाली होगी। इससे पहले बॉस को ढूंढ कर हमें पैसे हाथ में ले लेने चाहिए। ए चूहे, ऐसे काम में तेरा दिमाग तेज चलता है, ऐसे टेढ़े मेढ़े काम में तेरा दिमाग काम में आता है। काम पूरा करके मेरे घर के पास आकर एक फोन कर देना मुझे। भाई क्या? इंस्पेक्टर जय भैया, मैं उसकी यूनिफॉर्म की इज्जत करता हूँ। अरे उसकी बात बाद में करेंगे, तू जा जा जा। बराबर है, तेरी खोपड़ी में दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? मुझे लगता है यही होगा रॉकी का पीए, जिसने कल रात कॉल किया था डील के लिए। ओ ये वही है क्या? साथ में रहता है और कैसा काम कर रहा है देखो। अरे अब वो सब जाने दो, हम सबको होशियारी दिखानी होगी, रॉकी के होश में आने तक हमें इनकी नजर में नहीं आना है। ओके डन, मैं देखता हूँ, ध्यान रखना। भैया मैंने पैसे ले लिए। सीधा मेरे घर पर पहुंच। तुम्हारे घर के सामने हूँ भैया। तो वहीं रुक, छू कर मेरे मन को। गया क्या? दरवाजा खोल। दरवाजा खोल कर अंदर आ गया हूँ भैया। दरवाजा बंद करके किसी अच्छी जगह पर पैसे छुपा दे, किसी के हाथ में नहीं आने चाहिए। ये तो सिर्फ रूम है, घर में कहाँ छिपाऊं? भैया
यहाँ एक चटाई छोड़ के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चटाई है क्या? एक काम कर, उसको बिछाकर आराम कर। थू, तेरी नाक और तेरा दिमाग एक दूसरे से मिलते नहीं है बे। ए, पैसे वहाँ पर छुपा कर जल्दी से भाग। साहब, मैं कवि पांडे बात कर रहा हूँ। हाँ कवि, बोलो, तुम्हारा भाई कैसा है? डॉक्टर ने कहा है कि बचने की उम्मीद नहीं है सर। ऐसा क्या, क्या हुआ उसे? कल पूरी रात सब लोगों ने मिलकर पार्टी की थी, पार्टी के बीच में आपस में झड़प हो गई होगी। उन लोगों पर कोई शक न करे इसीलिए पास के हॉस्पिटल में लेकर गए होंगे। अबे क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या हो गया? क्या तुम उन लोगों को जानते हो? पता तो नहीं है साहब, लेकिन कोई दो मेल थे और एक फीमेल थी ऐसा बोल रहे हैं लोग। एक काम करो, हाँ, तुम हॉस्पिटल के गेट के पास ही खड़े हो जाओ। हाँ, और उससे किसी को मिलने मत देना। हाँ, और अगर कोई जाने की कोशिश करे तो, हाँ, उसे शूट कर देना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओके साईं साहब। भैया मोबाइल डाल इसमें। ये क्या झांक रहे हो? माचिस है क्या तेरे पास? ये हॉस्पिटल है, तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ सिगरेट पीना मना है। भैया हम बीड़ी पी सकते हैं यहाँ पर। कुर्सी पे आराम से बैठो, टूट जाएगी। जा तेरे बाप से बोल। भैया वो वही है। कौन? अब वो वही, दो मेल एक फीमेल। कहाँ है? वहाँ पर, वही किनारे बैठे हुए हैं भैया। भैया वो तीनों बैठे हुए हैं। यही लोग हैं रॉकी के फ्रेंड्स। आपने ही तो बोला था दो मेल हैं एक फीमेल है। चल। वो लोग पुलिस वालों से बात कर रहे थे, अब हमें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। देखो पुलिस के यहाँ आने से पहले, रॉकी के होश में आने तक हमारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। पहले वो काम करते हैं। अबे ये यहाँ क्यों आ गया? ये सब कुछ बिगाड़ देगा। आजा 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 आजा। हे कालू, अबे कालू, अबे अबे होश में आ कालू। अबे तेरी पकड़ो, इसे पकड़ो, पकड़ो, लेके चलो, लेके चलो इसे। अबे अबे आ रहा हूँ से। अबे उठाओ यार यार ये। हे कालू चल चलो चलो ले चलो इसे। ध्यान से चल, आराम से करो। चल 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 चल। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। पेशेंट, अरे पेशेंट है भैया, रास्ता तो क्या करते हो? जाओ 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 जल्दी जाओ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं भैया, सभी पेशेंट बाहर से अंदर आते हैं, ये कौन है जो अंदर से बाहर जा रहा है? ये वही लोग है रे। हाँ क्या? चल। अच्छा। अरे अरे भैया, पुलिस 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 पुलिस। अरे इधर जय भैया है, मेरे फ्रेंड हैं। जय भैया, हमें कुछ करेंगे क्या? चल। एम्बुलेंस है? भैया, हमारे भैया ने कुछ कहा क्या? वो कुछ भी बताने के हालत में नहीं है,
उन तीनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। सेफ्टी के लिए कंप्लेन। तुम्हारे भैया को होश आने दो, फिर देखेंगे। ठीक है ठीक है। वो मुझे बहुत ही खूबसूरत सपना आया था। पता है हम सब रॉकी के घर में गए थे, वहाँ हमने पार्टी की और वो कोई विदेशी ड्रिंक भी लाया था और मुझसे कहा कि उसे मत पीना नहीं तो चढ़ जाएगी, लेकिन मैंने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। विष्णु, रॉकी का घर अभी कितनी दूर है? आराम से चलेंगे। ये खून कैसा? अरे बताओ तो सही। विष्णु क्या हुआ, तू तो बताना यार। अरे अदिति, अरे यार तू तो बताना क्या हुआ है, मुझे कोई बताएगा? अबे क्या कर रहा है कालू? मरना है क्या? अबे कालू मर जाएगा। रुक जा। अबे कालू क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अबे कालू क्या कर रहा है ये? अब यहाँ पर क्यों आया तू? वो चाय पीने के लिए आया था। तो वहां भी पी सकता था ना? नहीं, मैं यहीं पर पीऊंगा। भैया अच्छा, मुझे पीनी नहीं चाहिए थी। मैं नहीं पीता तो ये सब नहीं होता। हे, हालात ही ऐसे पैदा हुए कि हमसे ऐसा हो गया यार। ए, अच्छा ही हुआ मैं होश में नहीं था। ओह, नहीं तो अदिति को उस हालात में देखकर मैं क्या करता पता नहीं। अदिति नहीं होती तो अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। मुझे कुछ करना होगा। तो अब तू क्या करेगा? कुछ करना होता तो ऐसे छुपकर नहीं आते तुम लोग। तुम सब बस रहने दो, अब क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। बोलिए सर। मैं सीधे रॉकी के पास जाकर आराम से उससे बात करता हूँ। मेरी बात सुनी तो ठीक है, नहीं तो मैं जैसे लड़ना चाहता हूँ लड़ूंगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। बैठकर पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा। इसी मिट्टी में एक औरत को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो उसे मैं दिलवा कर ही रहूंगा। क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? करके दिखाता हूँ। बहुत अच्छे। I am here. No fear. पागल लड़की। गलती मत करना सुंदर। अबे सुंदर। ए कालिए। No, I am going to commercial street. अबे सुंदर। Innocent girl face. जा 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 जा। वापस क्यों लौट आया? क्या हुआ? बस से जाने के लिए पैसे नहीं है, पैसे दो। हेलो हेलो, पेशेंट के साथ आए हो क्या? हाँ मैं ही हूँ। सुनिए, पेशेंट मर चुका है। हाँ? आप वहाँ जाकर रजिस्टर में साइन कीजिए। आधे घंटे के बाद आकर बॉडी ले जाना, चलो जाओ। भैया यहाँ है नहीं, मैं ही साइन कर देता हूँ। देव सुंदर में मेरे पास एक एकड़ जमीन थी, उसमें से आधा जमीन बेचकर ये प्यार से चैन बनवाई है, समझा? बाकी भैया मर गए, अब आधे घंटे में वो बॉडी देंगे। ये तो क्या बोल रहा है भैया, मर गए क्या? हाँ भैया। तू चाहे कुछ भी बोल, भाई के एहसानों के तले ये बॉडी इतनी बड़ी हुई है। अच्छा वो सब छोड़, तुम लोग एक काम करो, ये पैसे ले, पटाखे, चकली पूरी, अर्थी का सामान और बॉडी पर फेंकने के लिए चिल्ला लेकर आ। और ये क्यों? बैंड पार्टी के लिए। एक चीज रह गई। वो क्या है? दारू। अरे नालायक कहीं का, तू जा यहाँ से, चाहे कुछ भी बोल, भाई के जीते जी भी दिवाली और मरने के बाद भी। सही कहा, ये एहसान में कभी। अरे फोन आया, इंस्पेक्टर है, अभी देख ड्रामा। भैया तभी क्या हुआ?
क्या हुआ? भैया भगवान को प्यारे हो गए भैया। तुम लोग जहाँ भी हो जल्दी आओ। मैं अभी नहीं आ सकता भैया, शाम को आकर मिलूंगा, क्योंकि यहाँ की सारी तैयारी मुझे ही करनी है ना। भैया को देखने के लिए हॉस्पिटल में आओगे या सीधा शमशान में आओगे भैया? ए, मैं तुम्हें आईसीयू में आने को कह रहा हूँ। क्या हुआ भैया? चुपचाप चले आओ। ठीक है भैया, अभी आता हूँ। इतना ही सर। उनका क्या उद्देश्य था जो आपका वो मर्डर करना चाहते थे? सारे फ्रेंड्स ही हैं, सब लोग जानने वाले ही हैं। उन्होंने आखिर ये सब क्यों किया कुछ पता नहीं सर। तू तो कहता था मर गया, लेकिन ये तो जिंदा है। आईसीयू का पेशेंट मर गया ऐसा कह के इन लोगों ने मुझसे साइन ले लिया। अरे गधे, कहीं के किसकी डेड बॉडी के लिए साइन किया तूने? चल भैया। अरे भैया, मैं बहुत खुश हूँ भैया। भैया दुनिया में कुछ भी खोकर दोबारा हासिल कर सकते हैं भैया, लेकिन एक बार जान चली गई ना तो उसे दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। ए, सुनो क्या भाई, यहाँ लड़ाई क्यों कर रहे हो? क्यों भाई? मॉर्चरी में बॉडी है, पहले उसे लेकर आओ। कौन सी बॉडी? ये बॉडी किसी बॉडी के पास नहीं जाएगी, जाओ। ये कौन है? हमारे भाई। तू मुझे भाई क्यों बोल रहा है? भाई भाई होके ऐसे क्यों झगड़ा करते हो? मैं इसका भाई कैसे लगता हूँ? इसका थोपड़ा देखो। साइन कर दिया है, पहले जाके बॉडी लो। उस बॉडी से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये पागल ऐसे ही साइन करते रहता है। भैया देखिए भैया, किसी अनाथ बॉडी को हमारे सिर पर डालने की कोशिश कर रहे हैं लोग। सच नहीं है क्या? सर, इसने तो साइन भी किया है कि बॉडी इसके रिश्तेदार की है। किसने 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 साइन किया था? एक मिनट रुको, जो हुआ सो हुआ, कभी साइन किया कोई बात नहीं है, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, जाकर उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दो। भैया उस बॉडी से कितनी खतरनाक दारू की स्मेल आ रही है भैया। जाओ जाकर करो, तुम्हें कहां स्मेल आती है? अब तुम लोग भी जाओ। ठीक है जाता हूं। इनको स्मेल आ रही है। देखो भाई, आरती और हवन का मैंने पूरा सामान लाकर रख दिया है, तो हम सब तैयार हो ना, भैया के आते ही शुरू हो जाना। समझ गए ना? ठीक है, ठीक है। तुम्हारा भी यही हाल होगा भैया। कोई भी अनाथ लाश को लाकर मेरे सिर पर मर दिया तूने, अब बातें कर रहा है तेरी तो। दिमाग चलो भाई, लोग आ रहे, शुरू हो जाओ। पता नहीं किस भाई मिल गया, कुछ भी नहीं। ये मुरमुरे किसने मंगवाए थे? मैंने मंगवाए भाई। किस लिए? बॉडी पर डालने के लिए। बॉडी पर डालने के लिए बोला था गधे, मेरे ऊपर क्यों डाला? अरे वो सब छोड़ो भैया, हमने जो कुछ भी सोचा था उसका उल्टा हो गया ना भैया। तुम लोगों ने जो पैसे वहाँ से निकाले थे वापस वहीं रख दो। ओके। नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चलो भाई। क्या हुआ? यहाँ रॉकी को किस वार्ड में भर्ती किया है? आप उसके क्या लगते हैं? फ्रेंड। ये बात है क्या? स्ट्रेट जाके लेफ्ट में आईसीयू है, वहीं पे जाइए। ठीक है, लेफ्ट जाओ बोलकर राइट में हाथ दिखा रहा है। यहाँ पर आईसीयू कहाँ है? आगे से राइट ले लेना। हाँ। क्या है? मेरा फ्रेंड रॉकी अंदर है, उससे मिलना था। देखिए आप आईसीयू में ऐसे नहीं जा सकते, डॉक्टर की परमिशन लेनी होगी। थोड़ा अर्जेंट है, बात को समझिए प्लीज। देखिए आप खुद यहाँ से जाएंगे या सिक्योरिटी को बुलाओ? सिस्टर सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, सुनिए सुनिए। अरे इससे ज्यादा क्यों करोगे?
क्या अर्जेंट है पता नहीं, सेम मेरे भाई जैसा ही है। चलना, फोन करता हूँ, देखता हूँ सब लोग कहाँ पर है। हाँ बोल सुंदर। सब ठीक है ना? अरे हमारी छोड़, रॉकी के बारे में बता। रॉकी को होश आ गया है। ऐसा क्या, कैसा है वो, जाके बात की तूने उससे? वो अभी आईसीयू में है, उसे देखने के लिए डॉक्टर की परमिशन चाहिए। एक बार उससे मिलता हूँ, बाद में बात करता हूँ। अच्छा चल ठीक है। हाँ हाँ, क्या बोला उसने? वो कह रहा है कि रॉकी को होश आ गया है। ऐसा क्या? उससे मिलकर वो हमें वापस कॉल करेगा, तब तक हम लोग यहीं पर वेट करते हैं। ठीक है। मैं तुम लोगों के साथ नहीं आती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब इस बात का क्या मतलब? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? हमारा टाइम खराब था तो ये सब हो गया। लेकिन यार फंसेंगे तो हम ही ना। अब हमें कुछ भी हो वो तो चल जाएगा, लेकिन पहले इसको सेव करना होगा। इसको हम लोग बेंगलोर भेज देंगे। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ये हमारे साथ रहेगी तो सेफ रहेगी। पुलिस ने अगर हमें पकड़ा तो इसे भी गवाही देनी पड़ेगी। ए विष्णु, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ओके ओके, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। चले ओ चले, मैं थोड़ा सा अंदर हूँ, आ जाओ। चले चले, सुपर, तूने बहुत अच्छी जंप मारी। कू के बल गिरा हूँ बे, जंप इसको थोड़ी कहते हैं। अच्छा बता, पैसे मिले क्या, और गड्ढा क्यों बना रहा है? गीली जमीन लग रही है, थोड़ा और खोदूंगा पानी आ जाएगा। अरे कहाँ जा रहा है और ये चढ़ कैसे रहा है? मैं जिस रास्ते से चढ़ रहा हूँ तुम भी वहीं से आ जाओ। क्या खूब दिखती हो। चलो बताओ कहाँ पे है वो? यहीं वो रहा सर, वो देखिए। हाँ? यहाँ आओ। मैं तुम्हें को कह रहा हूँ। क्या बात हो गई सर? इसी ने एडमिट किया था ना? ये नहीं सर, वो कोई और था। ठीक है तुम जाओ। ओके सर। कहाँ से हो? मैसूर से सर। रॉकी को कैसे जानते हो? फ्रेंड है सर। ए, आजकल के टाइम में इस तरह के फ्रेंड होते हैं जो अपने फ्रेंड की जान लेने की कोशिश करते हैं? हाँ क्या सर, ये बात आपको किसने बताई? रॉकी ने कंप्लेन की है। तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर सर। कहाँ से सुंदर हो तुम? सर मेरा इन सब से कोई संबंध नहीं है सर। संबंध नहीं है? अगर तुम उसके फ्रेंड हो तो हमारी मदद करो। हे देवराज सुनो, अगर रॉकी से कोई भी मिलने आए तो उसे अंदर मत जाने देना। अगर तब भी कोई जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता है तो शूट कर देना। शूट करने की क्या जरूरत है सर, डंडे से ही मार के भगा दूंगा। उन्हें पकड़ने में मदद करो, तुम देखने में डिसेंट लगते हो। मेरी लाइफ में पहली बार सर किसी ने डिसेंट कहा है मुझे। मैंने बहुत लोगों से कहा पर किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया सर। चलो चलो। चोरों की तरह देख रहा है गधा। हे सुंदर, तेरे ही फोन का वेट कर रहे थे यार। कहाँ हो तुम लोग? तुझे एक बात बताना मैं भूल ही गया था। क्या? रॉकी का एक असिस्टेंट है कवि नाम का, उससे तू जरा संभल कर रहना। अबे ये सब बातें आने से पहले बतानी चाहिए थी ना, और तुम लोग अब मुझे बता रहे हो। सुनो, रॉकी ने हम सब पर कंप्लेंट की है, जहां भी हो जल्दी आ जाओ। अब अरे हमारी छोड़, तू वहां से कैसे भी करके एस्केप हो जा बस। एस्केप? अरे रॉकी ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। माय गॉड, रॉकी ऐसे पलट जाएगा मुझे भरोसा नहीं हो रहा यार। अब हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी शहर पहुंचना होगा। वहां पे मेरा एक फ्रेंड है, उसके पहचान का एक अच्छा लॉयर है। हम उसके पास जाएंगे और सारी सच्चाई उसे बता देंगे, और मुझे लगता है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। हेलो अंकल। देखो बेटा विष्णु, मुझे पता चल गया है, किसी भी हालत में तुम पुलिस के हाथों मत चढ़ना। हाँ क्यों?
अगर तुम पकड़े गए ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सीधे बेंगलोर आ जाओ। मैं बेल लेकर बाकी की बातें बाद में कर लूंगा। ठीक है ठीक है। कुछ आवाज सुनाई दे रही है, डिग्गी ठीक से बंद नहीं हुई है क्या? तुम लोग बेंगलोर जा रहे हो बेटा? हाँ दादी। मुझे रास्ते में गांव छोड़ दोगे क्या? कितनी देर से खड़ी हूँ, कोई नहीं लेकर जा रहा, तुम लोग छोड़ दोगे ना? ठीक है दादी, आप बैठ जाइए। भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। बेटी कहाँ जा रही हो? बेंगलोर दादी। तुम कहाँ जा रहे हो? बेंगलोर जा रहे हैं दादी। ओह, बेंगलोर जाने में कितना पैसा लगता है? नहीं नहीं दादी, हम सब दोस्त हैं, सब साथ में बेंगलोर जा रहे हैं। लेकिन तुम तीनों आपस में बात क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है तुम भी मेरी तरह रास्ते से चढ़ी हो, है ना बेटी? सर, जाकर अपने फ्रेंड से बात करो। अरे बात करूंगा तो फंस जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? ए, क्या हुआ? बाथरूम जाना है। चल जा। सर आप मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहे हो? ए, मुझे भी जाना है। चल। सर मैं जेंट्स टॉयलेट जा रहा हूँ। ये तो अकेला छोड़ ही नहीं रहा। पाइप फूट गया है। बहुत मुश्किल से मैनेज किया है। ओके ओके, उसे पुलिस स्टेशन भेज दो। तुमने अपने फ्रेंड से बात की? हाँ सर, इन्होंने भी देखा। देख लिया ना कैसी हालत बनाई है उन लोगों ने। मेरे हाथ लगने दो, उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। जब तक केस नहीं खत्म हो जाता तुम कहीं नहीं जा सकते। भैया नमस्कार। भैया क्या कभी माटी दे के आ गए? माटी वाटी देकर घर जाकर नहा धोकर फ्रेश होकर सेंट मार के आया हूँ। ये कौन है भैया, चोर जैसा दिख रहा है? हाँ, रॉकी का फ्रेंड है। तेरा नाम क्या है बे? सुंदर नाम है मेरा। सुंदर नाम है तेरा? तेरे में ऐसा क्या सुंदर है जो तेरी माँ ने तेरा नाम सुंदर रखा था? दादी। हाँ? आप वहाँ पे किस लिए जा रही हैं? अपने पोते से मिलने। और तुम? अरे तो आप इतनी दूर क्यों जा रही है? आप एक फोन कर देती, वो आपसे मिलने आ जाता। नहीं हो सकता, मेरे पोते ने अपना घर छोड़ दिया था 10 साल पहले। पुलिस में भर्ती होने के बाद बाप से झगड़ा करके चला गया। 3 साल के बाद उसके माता पिता भी एक्सीडेंट में मारे गए। क्या बताऊं मैं तुम्हें बेटा, वो एक्सीडेंट आज तक नहीं भूली। ओके ओके ठीक है सर। दिखाओ। बीच हाउस से फोटो मिली है सर। ठीक है, उसे यहाँ बुलाओ। ए सुंदर, सर बुला रहे हैं। सर बुला रहे हैं आपको। चल चुपचाप जा। मैं ए सुंदर। सर साहब बुला रहे हैं। सर इनमें से तुम किसी को जानते हो? आ, 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 आ,
मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। लाओ यहां दो। सर ये फोटो देखिए, यहां से फटी हुई है, लगता है किसी ने जानबूझकर किया है। ये देखिए, ओके, केस सॉल्व हो गया। ऐसा ही लग रहा है सर। ये फोटो जिस किसी ने भी फाड़ी होगी वही अपराधी होगा। तुम लोग शांत क्यों बैठे हो? तुम्हें तो आपस में हंसना बोलना चाहिए और तो और जीवन में कुछ हासिल करने की हिम्मत होनी चाहिए। अब तुम मुझे देख लो, पिछले 15 सालों से रोज मौत को हरा हरा के जी रही हूँ मैं। देखो बच्चों, मेरे पति की बहुत अच्छी मौत हुई, पूरा गांव आया था। वो बहुत साहसी थे, हिम्मती थे। हमारे खेत में पानी नहीं था इसलिए उन्होंने कुआं खोदना शुरू किया। बहुत गहरा खोदने पर भी पानी नहीं मिला। उसके बाद ऊपर से पानी आना शुरू हुआ। क्या ये बारिश है? ये कहकर गांव के लोग ऊपर की तरफ देखने लगे। केवल बीच से ही पानी आ रहा था, इतना ही। उसे कोई अच्छी मौत कहता है क्या दादी? गांव के लोग बेटा, गांव के लोग, तुमने नहीं सुना क्या? काम ही सब कुछ है। पता है मेरे पति सारा जीवन काम करते करते भगवान को प्यारे हो गए। मेरे पिताजी ने मुझसे गरम गरम चाय मांगी थी, ठीक है बोलकर गरम गरम चाय लाकर दी मैंने उनको, और चाय पीते ही वो चल बसे। मेरे ससुर जी तांबे की प्लेट लेकर उसमें बिजली आएगी कहकर प्लेट को लेकर बैठ गए। बदनसीबी देखो, आसमान से बिजली तांबे की प्लेट छोड़कर उनके सिर पे गिर गई। वहीं बैठे बैठे ससुर जी भगवान को प्यारे हुए। मेरी देवरानी के गले में छोटा सा फोड़ा हो गया था, उसे मच्छर ने काटा होगा ये सोचकर ध्यान ही नहीं दिया उसने। और एक साल में मच्छर का काटा हुआ घाव एक साल तक थोड़ी ना रहता है दादी। पहले बता होता तो वो आज जिंदा होती। उसके बाद जाके ये बात डॉक्टर को बताई तो जानते हो डॉक्टर क्या बोला? अरे ये कैंसर हो गया है, कैंसर, ऐसे चिल्ला के बोला। मेरी सासू माँ की मौत के बारे में सुनोगे तो। जरा गाड़ी रोकना। हम क्या करने जा रहे हैं और हो क्या रहा है? क्यों बिठा लिया यार हमने इन्हें? गाड़ी में जब से बैठी थी तब से मौत मौत और मौत की बात कर रही थी, अब इस बॉडी का क्या करें यार? वो अपने पोते से मिलने जा रही थी ना, फोन नंबर एड्रेस बैग में हो सकता है, चेक करें क्या? ठीक है चेक करके देखते हैं। चलो तुम्हें बैग में क्यों हाथ डाल रहे हो? अगर पैसे चाहिए तो बोलो ना। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? कोई बात नहीं है दादी, हमारी किस्मत खराब है। हाँ किस्मत खराब है, क्या हुआ बेटा? अरे होना क्या है, इस तरह मुंह खोलकर लाश की तरह सोई हो, लग रहा था सचमुच मर गई हो। सच में मर गई थी बेटा, भैंसे पर बैठा के ले गए थे। हाँ पता है, यमराज दरवाजे पर खड़ा था, अंदर आने के लिए कह रहा था। मैं अगर सीधा पांव रख के अंदर चली जाती तो हाथ पकड़कर खींच लेता। इसीलिए मैंने क्या किया पता है, अंदर बायां पैर रख दिया, उसने लात मारी मैं बाहर आकर गिरी। आंखें खोल कर देखा तो तुम लोग मुंह खोल के खड़े थे। अरे बेटा मेरा गला सूख रहा है, तुम्हारे पास कुछ पीने के लिए है? ये लीजिए पानी पीजिए। पानी? कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? दिलाओ ना।
तुम्हें भी चाहिए कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं क्या? हाँ? चाहिए तो ले लो, पैसे मैं दे दूंगी। बेटा यहाँ प्याज की भजिया बनाते हैं क्या? पूछ के देखो। हाँ, हाँ। पूछता हूँ, पूछता हूँ। मेरे पोते को ना प्याज की भजिया बहुत पसंद है। अरे वो सब रहने दो, पहले तुम्हारे पोते को फोन करो और उसे पूछ लो कि वो है कहाँ पर। हाँ मिला मिला। हाँ दीजिए दादी, ये लो। लीजिए। हेलो हेलो सतीश, तुम्हारी दादी बेटा। दादी कहाँ हो तुम? कहाँ से बोल रही हो? अभी गांव में हो क्या? नहीं बेटा, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गईं। वो क्यों? इसीलिए मैं गांव आ रही हूँ बेटा। अरे दादी तुम क्यों आ रही हो? मुझे बोलती मैं आके ले जाता। कुछ लोग मुझे ड्रॉप कर रहे हैं, मैं उनके साथ कार में आ रही हूँ। हाँ। उनको जरा फोन दो ना दादी। रुको देती हूँ। लो बेटा मेरा पोता बात करना चाहता है। हेलो, हाँ बोलिए सर। सॉरी आपको थोड़ी तकलीफ हुई, गांव पहुंचते ही मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। नमस्कार भैया, क्या समाचार है भैया? इन फोटोज को देखिए सर। ए यहां आओ। तुम्हारा नाम क्या है? सर सुंदर नाम है मेरा, मैं सब कुछ बता दूंगा सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है सर। ये सब अगर पहले बताते तो सुन भी लेता, मान भी लेता। ये फोटो किसने फाड़ी है? मैंने ही सर। भैया मैंने आपसे कहा था ना कि ये दिखने में शक्ल से ही चोर लग रहा है मुझे, मैंने इसे पहली नजर में ही पहचान लिया था, अब जाके ये फंसा है। सर कसम से मैं फूल पीकर टाइट होकर सो गया था, मेरी कुछ भी गलती नहीं है सर, चाहिए तो रॉकी से पूछ लीजिए सर। ऐसा क्या? हाँ। इसे हॉस्पिटल लेके चलो। हाँ, ए, इसको लेकर चलो। चलो चल सर, मैं बात करता हूँ सर। रॉकी ठीक हो ना? भगवान की कृपा है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, मुझे पता था तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाना चाहता था पर पुलिस ने लाने नहीं दिया। पता है ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं किया है ना। इन्हें बताओ सुंदर की कोई गलती नहीं है, उसे सीधे गाँव भेज दो। दवाइयाँ तो टाइम टाइम पर ले रहे हो ना सर? ठीक से सुनिए सर, तीनों ने मिलकर अटैक किया था सर। लेके आओ उसे। मैं सुंदर हूँ, ये झूठ बोल रहा है सर। रॉकी तेरा कभी भला नहीं होगा, मैं पीकर सो गया था सर, ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है सर, कसम से मैं पीकर सो गया था, मुझे छोड़ दो सर। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं, सच में सर। चल भैया चल, ऐसा इसने किस लिए किया और किस लिए? पैसे के लिए किया होगा, पैसे सेफ है भैया। बाय 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 बाय। यहाँ आओ भैया, ये पागल मजाक कर रहा था। आओ यहाँ। तुम्हें कैसे पता? बता। मैंने मजाक किया था सर, भाई ने कहा कि पैसे वहां रख दो तो मैंने वहां पैसे रख दिए। ए गन निकाल ला सर, गेट अप करिए सर। ए सो सर, यहाँ आओ। इसकी पैंट क्यों नहीं निकाली? ए पैंट उतार। सर ऐसा मत कीजिए सर, शर्म आएगी, अंदर कुछ पहना नहीं है। उतारूं सर? नहीं नहीं ठीक है। तू लाठी लेके आ। मैंने बता दिया सर, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए सर। अपने फ्रेंड को फोन करो। ए, फोन क्यों काटा? बैलेंस नहीं है, मिस कॉल किया है, वो कॉल करेगा। करता हूँ सर। अरे विष्णु सुंदर का कॉल आ रहा है, जरा गाड़ी साइड में खड़ी कर। सर उसी का फोन है सर। स्पीकर ऑन करो। हाँ बोल सुंदर। कहाँ हो तुम लोग?
हम लोग तो अभी बेंगलोर जा रहे हैं। कहीं मत जाना, रॉकी से मैंने बात कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग वापस आ जाओ। तुझे पुलिस वालों ने पकड़ा है क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा बाहर हूँ, तुम लोग आ जाओ। अच्छा सुन, हम लोग वहाँ पर नहीं आ सकते, तू मैसूर चला जा और दो दिनों बाद मैं ही तुझे कॉल कर लूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, हेलो 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 हेलो, देखा ना सर, वो कुछ भी बता नहीं रहे, अब मैं क्या करूँ, छोड़ दीजिए सर। गुड, वहाँ के पुलिस स्टेशन में कॉल करो। ठीक है, वो पकड़े गए तो मुझे छोड़ दीजिए। वहाँ जाकर बैठो। जिसने खून करने की कोशिश की उसको भैया ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ पैसे इधर से उधर किए हैं, हम लोगों को कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी देर ऐसे ही बिठाकर खिला पिला कर छोड़ देंगे। सर अब अगला कभी को बुलाऊं क्या? उन चारों से क्या बात करनी है, उनको अच्छे से पीटो। देखो अगर तुम लोग ऐसे ही करोगे तो तीन लोगों को पड़ने वाली मार सिर्फ दो लोगों में ही बटेगी, मिलकर बांटकर खाना सीखो। ऐसे क्या देख रहे हो भैया, मिल बांटकर खाएंगे ना। ए रुको रुको, डिक्की खोलो। हाँ खोलता हूँ। अरे देख क्या रहे हो, खोल रहा हूँ सर। उस गाड़ी को भी चेक करो, ठीक से चेक करना, रुकना नहीं चाहिए कुछ। हाँ चलो चलो, ठीक है ना सर, आगे बढ़ो। हाँ नेक्स्ट स्टॉप, दूसरी गाड़ी चेक करो। गाड़ी साइड लगा के साहब को पेपर चेक कराओ। अब यहाँ से नहीं जा सकते, गाड़ी बैक ले ले। इनका पोता फोन कर रहा है यार, उसे बोल हमसे यहीं आके मिले। वो हाँ हेलो सर, कहाँ हैं आप लोग? हम लोग ना वो मेन जंक्शन से थोड़ा सा अंदर आ गए हैं सर। लैंडमार्क बताइए। लैंडमार्क तो यहाँ पर एक मंदिर है सर। वो मंदिर क्या? हाँ वही सर, वो टूटे हुए मंदिर के पास ही खड़े हैं हम लोग। चलो ठीक है। ओके सर। यहाँ आओ बेटा। क्या हुआ दादी? मेरे पोते को क्यों बुला रहे हो यहाँ पर? यार आपके पोते नहीं तो यहाँ पर आने के लिए कहा है, थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगा। शिनु, पुलिस वाले आ रहे हैं। यार वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। चल पहले यहाँ से गाड़ी निकाल। हाँ हाँ चल चल चल। सीनू, दादी गाड़ी में नहीं है। हाँ? क्या दादी गाड़ी में नहीं है? अरे तुम्हारी बगल में ही तो बैठी थी। पता नहीं। अरे ऐसे कैसे पता नहीं? अरे यार उनका पोता बहुत बार फोन लगा रहा है हमको, अब क्या करेंगे? वापस तो नहीं जा सकते हैं यार, चल इधर देखते हैं शायद कोई रास्ता मिल जाए। इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ से वापस चलना पड़ेगा। ठीक है चलो। और कितना भागोगे, अब आ जाओ। दादी के पोते का फोन होगा, कहना कि मंदिर के पास है वो। अंकल है। हेलो। देखो भाई विष्णु, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए पुलिस के हाथों मत चढ़ना तुम लोग। बाई चांस अगर पकड़े गए तो अंकल? कोई चांस मत लेना। अगर हमारा टाइम खराब हो और किस्मत से पुलिस वाले हमारे सामने हो तो? ओ तो ये बात है। नॉर्मली बात यह होती है कि तुम लोगों को पुलिस स्टेशन में ले जाकर तुम्हारे सारे कपड़े उतार कर उल्टा लटका कर अगर मारना शुरू किया ना तो लगातार मारते रहते हैं। अरे अभी वो लाइन पर ये क्या बोल रहा है सुन तो। दिन रात मारते रहते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? इनके चेहरे को देख के लग रहा है कि ये लोग नशा करते हैं, चेक कर रहे हैं? ठीक है सर। सर, मेरा फोन आ रहा है। छोड़ना। सर बहुत इम्पोर्टेंट है। सर पक्का किसी डीलर का ही कॉल होगा।
हेलो हेलो, मंदिर के पास हो क्या? मैं भी तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ राजा, कहाँ हो? कौन बात कर रहा है? मैं कांस्टेबल सुधीर। और मैं हूँ इंस्पेक्टर सतीश। हैं? सर आप हो? अरे यही तो दादी माँ को ढूंढ रहे थे, मतलब दादी माँ के पोते यही है यार। हाँ। मेरी सर, दादी कहाँ है? सर वो इंस्पेक्टर साहब जरा देखिए ना, दादी कहाँ है? सतीश यहीं पर है, मंदिर के पास है, चलिए ना मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चल सर, आप अपनी गाड़ी में जाइए, मैं अपनी गाड़ी से आता हूँ। ए चले यहाँ से। दादी माँ पता नहीं कहाँ गई। दादी कहाँ है? सर वो दादी माँ वहीं पर थी सर, यहीं पर खड़ी थी। अरे हाँ सर, यहीं पे थी। कहाँ चली गई? सच्चाई बता। मतलब वो यहीं कहीं बैठी थी सर। इन सबको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये शातिर चोर हैं। सोचा होगा कि दादी को बिठाकर उनके गले की सोने की चैन छीनकर उन्हें रास्ते में छोड़ दिया। ऐसा ही किया? ऐसा कुछ नहीं। सोचिए मत सर, शूट करके किस्सा खत्म कीजिए। दादी 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 सतीश कैसे हो बेटा? दादी तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख लो। दादी इनको हमारे बारे में बताइए ना दादी। सतीश ये बहुत अच्छे लड़के हैं, मैं इन्हीं के साथ आई हूँ, वो लड़की भी बहुत अच्छी है। बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर, बोलिए। हाँ 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 दादी दादी, तो अभी हम लोग चलते हैं। ऐसा क्यों? हमको बहुत सारे काम से चलते हैं। चलो भाई चलते हैं। ठीक है यार, जितनी जल्दी हुए सर। सर उस केस के अपराधी यही है सर। ओए अरेस्ट देम। रुको रुको रुको, अपने दोस्त का खून करके उसके पैसे को लूटने का प्लान बनाया था ना तुमने? कानून से बचना इतना आसान नहीं होता है। इन्हें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाके हैंड ओवर कर दो। ओके सर। सतीश ये सब क्या हो रहा है बेटा? ये सब चोर है दादी, पैसों के लिए इन्होंने अपने दोस्त को मारने की कोशिश की। दादी ये जो भी बोल रहे हैं वो सब सच है दादी। दादी घर जाने के बाद आपको सब बताता हूँ। हमने जो गलती की है उसकी सजा पाने के लिए हम दोनों तैयार हैं, लेकिन आदित्य की कोई गलती नहीं है दादी। सर इस लड़की को बेंगलोर भेज दीजिए सर। दादी प्लीज आप बोलिए ना। इस सिचुएशन में बस मैं इतना ही कर सकता हूं दादी, क्योंकि सारे सबूत इनके खिलाफ ही हैं। हाँ लेकिन हॉस्पिटल में रॉकी से मिलने का प्रबंध कर सकता हूं मैं। मैं आऊंगी ऐसा तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना? घबराओ मत रॉकी, प्रॉब्लम को तुमने क्रिएट किया है, एंड मैं करूंगी। जिंदगी में तुमने बहुत कुछ कमाया है, देखने से ही पता चलता है। और सबसे बढ़कर मेरे नजरिए में तीन बहुत अच्छे दोस्तों का तुमने प्यार पाया है। लेकिन जब लड़की की बात आती है तो कोई आदमी कितना भी महान क्यों ना हो, लड़की को देखकर सबका मन बहक ही जाता है। और मैं यहाँ तुम्हारी इज्जत उछालने के लिए ही आई। एक बात तो सच है रॉकी, तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे हैं, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम अगर आज जिंदा हो ना तो उसकी वजह तुम्हारे फ्रेंड्स है।
आपने बहुत ही अच्छा किया मैडम, रॉकी को मजबूर करके केस वापस करवा लिया। सच में आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर, इसकी वजह फ्रेंडशिप भी है, प्यार भी है। ओ, इसका मतलब आप किसी को चाहने लगी हैं? अबे जान हाँ, यही सही मौका है, गले लगाकर उसको आई लव यू बोल दे। एक्चुअली यस। कौन है वो? सीनू। मुझे कब उससे प्यार हो गया पता नहीं सर। वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है और वो बहुत नटखट भी है, इसीलिए क्या कहूँ, वो बस पसंद आ गया। सुंदर, सुंदर, सुंदर रुको ना। क्या? सीनू भी अच्छा नहीं है, विष्णु भी अच्छा नहीं है, मुझे सुंदर चाहिए। आई लव यू। मुझे पहले ही पता था तुम बस मेरे लिए बनी हो। घबराओ, इसी पल से उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दूंगा।